हेलो गाइस, वेलकम टू क्लियर यूपीएससी पीसीएस। हियर आई एम अभिषेक शुक्ला एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस क्लासिक्स हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5, दैट इज किंगडम्स किंग एंड एन अर्ली रिपब्लिक। तो ये चैप्टर है, इसके पहले मैं 4 चैप्टर को डिस्कस कर चुका हूँ और ये सारे वीडियोज क्लासिक्स के एक साथ अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद क्लास 7 क्लास 8 कैसे मैं करके अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में सारे जितने भी वीडियोज हैं उनकी लिंक आपको मिल जाएगी, ओके। सो वहाँ पे जा करके आप और भी जो चैप्टर्स हैं उनकी उनकी जो वीडियोज हैं वो आप देख सकते हैं, ओके। नाउ जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो लोग इस वीडियो पे आए हैं, तो इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना इंस्टाग्राम और जो मेरी ईमेल आईडी है उसको मैं डाल दूंगा। उससे क्या होगा कि आप हमें मैसेज करके मुझसे उसके स्पेसिफिक नोट्स ले सकते हैं, जिसमें मैं जो स्पेसिफिक जो फैक्ट हैं जो प्रीलिम्स वगैरह में पूछे जा सकते हैं सिविल सर्विसेज या वन डे एग्जाम्स में, उसका एक अलग नोट्स मैंने बना रखा है। तो वो अगर आपको चाहिए तो आप आके वहाँ पर ले सकते हैं। मैं वैसे गूगल ड्राइव पर करके लिंक में नीचे डाल सकता हूँ, बट उससे क्या होता है कि जिन लोगों की ज़रूरत नहीं होती वो भी लेके उसका मिसयूज करते हैं, तो मैं ये नहीं चाहता। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तभी आपको वो नोट्स मिलेंगे और मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने खुद के लिए बना रखी है, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट। हाउ सम मैन बिकम रूलर्स, तो कैसे कुछ लोग क्या हुए रूलर्स बन गए। नाउ चूजिंग लीडर्स आर रूलर्स बाय वोटिंग इज समथिंग दैट हैज बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर आर सो। लास्ट 50 सालों में जो लीडर्स को चूज किया जाता है, ये ट्रेंड लास्ट 50 साल में जो पॉपुलर हुआ है। हाउ डिड मैन बिकम रूलर इन द पास्ट, पास्ट में कैसा रूलर बनते थे। जिसमें सम ऑफ राजा वर रीड अबाउट चैप्टर 4, तो चैप्टर 4 में कुछ राजा के बारे में हम पढ़ते हैं, एक बार मैंने कर दिया है। वर प्रोबेबली चूजन बाई जना द पीपल, तो वो लोग पीपल्स के द्वारा चुने जाते थे। बट अराउंड 3000 ईयर को वी फाइंड सम चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द वेज इन विच राजाज वर चूजन। तो 3000 साल पहले जो किंग को सिलेक्ट करने का जो वे था वो थोड़ा चेंज हुआ। सम मैन नाउ बिकम रिकॉग्नाइज एज राजाज बाई परफॉर्मिंग वेरी बिग सेक्रीफाइस, तो वहाँ पे उन लोगों को बड़ा राजा माना जाता था जो बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करते थे। जैसे कि अश्वमेध यज्ञ जो होता था रामायण, अगर आपने रामायण के बारे में अगर आपको पता होगा तो आपको पता होगा कि श्री रामचंद्र जी ने क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ किया था, जब घोड़ा छोड़ दिया था और उनके दोनों बच्चों ने लव और कुश ने उसको पकड़ लिया था। तो अश्वमेध यज्ञ पहले होता था। अश्वमेध यज्ञ होता क्या कि इसमें यज्ञ करके एक घोड़े को छोड़ दिया जाता है और वो फ्रीली मूव करता है, ठीक है ना, और जिस टेरिटरी पे वो मूव करता है वो टेरिटरी उनकी हो जाती है, ओके। मतलब कि वहाँ पे उस किंग का डोमिनेंस होता है और जो भी किंग रिफ्यूज करता है, कोई घोड़े को पकड़ लेता है, तो उसको क्या होता है कि जिस जो राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहा है उसकी जो सेना है उससे उसको युद्ध करना पड़ता है, ओके। तो ऐसे होता है। द राजा वर ऑर्गेनाइज द सेक्रीफाइस वर रिकग्नाइज बाई बींग वेरी फॉर्मल ऑल दोज हु कम बॉट गिफ्ट फॉर हिम, तो जो भी लोग आते थे मतलब कि जैसे आप शरण में आ गए तो गिफ्ट भी वो लोग, तो ये सारी चीज़ें होती थी। द राजा वाज़ ए सेंट्रल फिगर इन दिस रिचुअल, तो इस रिचुअल में राजा सेंट्रल फिगर था। ही ऑफन हैड अ स्पेशल सीट और थ्रोन आर ए टाइगर स्किन, तो वो स्पेशल सीट उसके लिए होती थी, कोई थ्रोन होता था या फिर टाइगर स्किन पे बैठते थे। हिज चैरियटियर हु वाज हिज कंपेनियन इन द बैटल फील्ड एंड विटनेस द एक्सप्लॉइट्स Chanted tales of glory. His relatives, especially his wife and son, had to perform a variety of minor rituals. The minor rituals भी provide किए जाते थे उस time पे. Sorry, provide नहीं किए जाते थे. The other rajas were simply spectators who had to sit and watch the performance of sacrifice. और जो राजा होते थे उनको बैठ के केवल performance देखनी होती sacrifice की. Priests perform the ritual. Priests ritual को perform करते थे. The ordinary people, the wise and wise are also bought. गिफ्ट, तो विस और वैस जो होते थे वो गिफ्ट लेके आते थे, ठीक है ना। हाउएवर सम पीपल सच एज दोज हु रिगार्डेड एज शूद्रास बाय द प्रीस्ट वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मेनी रिचुअल, तो शूद्रास जो थे उनको बहुत सारे रिचुअल से एक्सक्लूडेड रखा जाता था, ओके। नाउ वर्डाज वी हैव मेनी बुक्स दैट आर कंपोज इन नॉर्थ इंडिया स्पेशली इन एरिया ड्रेन बाई गंगा एंड द यमुना ड्यूरिंग द पीरियड, तो नॉर्थ इंडिया में बहुत सारी बुक्स को कंपोज किया गया, स्पेशली जो गंगा और यमुना के रिवर्स के द्वारा जो एरिया ड्रेन किया जाता है वहाँ पर बहुत सारी बुक्स को कंपोज किया गया। दिस बुक आर ऑफन कॉल्ड लेटर वैदिक, इन बुक को लेटर वैदिक कहा जाता है बिकॉज ये कब कंपोज हुई थी, ऋग्वेदा के बाद। ऋग्वेदा के बारे में चैप्टर 4 में मैंने आपको पढ़ा दिया है, वो आप देख सकते हैं।
दीज इंक्लूड द सामवेद यजुर्वेद अथर्वेद, इसमें सामवेद यजुर्वेद अथर्वेद आता है, एज वेल एज अदर बुक्स. दीज वर कंपोज बाई प्रीस्ट एंड डिस्क्राइब्ड हाउ रिचुअल्स वर टू बी परफॉर्म एंड दे ऑल्सो कंटेन रूल्स अबाउट सोसाइटी. ये प्रीस्ट जो होते थे उनके द्वारा कंपोज की गई और सोसाइटी कैसे चलेगी और रिचुअल्स कैसे परफॉर्म होंगे इन सारी चीज़ों के बारे में होती थी. देयर वर सेवरल डिफरेंट ग्रुप इन सोसाइटी एट दैट टाइम. तो बहुत सारे ग्रुप थे सोसाइटी में, प्रीस्ट था, वॉरियर, फार्मर, हर्डर, ट्रेडर, क्राफ्ट पर्सन, ये सारे से लोग होते थे. सम प्रीस्ट एंड वॉरियर वर रिच, तो कुछ प्रीस्ट और वॉरियर रिच भी थे. एज वर सम फार्मर एंड ट्रेडर, कुछ फार्मर और ट्रेडर भी रिच थे. अदर इंक्लूडिंग मेनी हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन, ये लोग होते थे. ये लोग पुअर थे, क्राफ्ट पर्सन, लेबर, फिशिंग फॉक, हंटर एंड गैदरर्स, ये पुअर थे. द प्रीस्ट डिवाइडेड पीपल इंटू फोर ग्रुप. तो प्रीस्ट ने क्या किया था, लोगों को चार ग्रुप में डिवाइड किया. काल वर्डाज, इसको वर्ड कहा जाता था. अकॉर्डिंग टू देम ईच वर्ड हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शन. तो जितने भी वर्ड हैं उनका डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शन है. द फर्स्ट वर्ड ना वॉज दैट ऑफ ब्राह्मिन. तो सबसे पहला वर्ड जो था ब्राह्मिन था. ब्राह्मिन्स वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी एंड वेदाज, स्टडी द वेदाज, ठीक है ना. तो ब्राह्मण जो होते थे वो वेदा की स्टडी के लिए और उसकी टीचिंग देने के लिए उनका काम जो था वो था. परफॉर्म सैक्रीफाइस या रिसीव गिफ्ट. तो ये सैक्रीफाइस भी परफॉर्म करते थे और क्या करते थे, गिफ्ट रिसीव करते, जैसे अभी भी ब्राह्मण जो करते हैं, मतलब सारे नहीं करते बट कुछ लोग करते हैं. इन द सेकेंड प्लेस वर द रूलर्स आल्सो नोन एज क्षत्रियास. दे वर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल एंड प्रोटेक्ट पीपल. तो वो लोग बैटल फाइट करते थे और पीपल को प्रोटेक्ट करते थे. वैश्यास दे आर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर, हर्डर एंड ट्रेडर्स. तो वैश्यास मोस्टली ट्रेडर्स ही थे, ठीक है ना. बोथ द क्षत्रियाज एंड वैश्यास कुड परफॉर्म सेक्रीफाइस. तो क्षत्रियाज और वैश्यास क्या कर सकते थे, सेक्रीफाइस को परफॉर्म कर सकते थे. लास्ट वर ऑफ शूद्रार हु हैड टू सर्व द अदर थ्री ग्रुप. तो शूद्रार जो थे उनको क्या करना पड़ता था, वो अदर जो थ्री ग्रुप्स हैं अपर, उनको क्या करते थे, सर्व करते थे और कोई भी रिचुअल परफॉर्म नहीं करते थे. ऑफन वुमेन वर ऑल्सो ग्रुप्ड विद द शूद्रास. तो वुमेन की भी ग्रुपिंग होती है शूद्रास के साथ. बोथ वुमेन एंड शूद्रास वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास. तो वेद को स्टडी करने के लिए वुमेन एंड शूद्रास अलाउड नहीं थे. बट ये कब की बात हो रही है, लेटर वैदिक पीरियड के. ऋग्वैदिक पीरियड में ये सब अलाउड था. ऋग्वैदिक पीरियड के अकॉर्डिंग जो आदमी का कर्म के हिसाब से, जैसे कि अगर समझ लीजिए मैं आपको टीचिंग दे रहा हूँ, ठीक है ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ब्राह्मण्स हो जाता, जो आर्मी पर्सनल्स हैं वो हो जाते क्षत्रियास, ओके, और जो यू नो बिजनेसमैन है वो हो जाते वैश्यास, और जितने भी लोग सैलरी लेके काम कर रहे हैं ना, जितने लोग सैलरी लेके काम कर रहे हैं वो लोग शूद्रास आते थे, क्योंकि शूद्रास उस टाइम पे यू नो उसी टाइप का वर्क होता था, ओके. ये ऋग्वेद के अकॉर्डिंग, बट ये लेटर वैदिक काल की बात हो रही है, ओके. नाउ जनपदास, द राजाज हु परफॉर्म दीज बिग सेक्रीफाइस वर नाउ रिकग्नाइज एज बींग राजाज ऑफ जनपदास रादर देन जनास. तो जो भी, जैसे मैं हूँ, मान लीजिए मैंने जो बड़ा सेक्रीफाइस, जैसे मान लिया सुमे यज्ञ मैंने कर लिया, तो मैं अब जन के नाम से नहीं जाना जाऊँगा, मैं किसके नाम से जानूंगा, राजा ऑफ जनपद, ठीक है ना. द वर्ड जनपद लिटरली मीन द लैंड वेर द जना सेट इट फूट एंड सेटल डाउन. तो जनपद का मतलब होता था कि जहाँ पे जन जो मतलब जो लोग हैं सेट इज फूड, मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं सेटल डाउन जहाँ पे होता है उसको जनपद बोला जाता है, ठीक है ना. सम जनपद, तो ये मैप की बात हो रही है. आर्क्योलॉजिस्ट हैव एक्सकेवेटेड ए नंबर ऑफ सेटलमेंट इन दी जनपदास. पुराना किला इन दिल्ली, तो पुराना किला दिल्ली का हस्तिनापुर नियर मेरठ, ठीक है ना, एंड अतरंजी खेरा नियर एटा. द लास्ट टू आर इन उत्तर प्रदेश. तो लास्ट ये दोनों ये उत्तर प्रदेश में है. दे कुड फाउंड दैट पीपल लिव इन हट्स एंड केप्ट कैटल एज वेल एज अदर एनिमल. तो वो कैटल को भी रेनिंग करते थे और झोपड़े में रहते थे. दे ऑल्सो ग्रीव ए वैरायटी ऑफ क्रॉप, राइस, वीट, बार्ली, पल्सेस, सुगर केन, सीसमो एंड मस्टर्ड, ठीक है ना. दे मेड अर्दन पोर्ट. तो वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे. सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर, कुछ ग्रे कलर में होते थे, अदर वर रेड, और सारे रेड थे. तो इसमें कौन कौन सा था लेटर वैदिक पीरियड में, ग्रे और रेड. वन स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी फाउंड एट दी जनपदास में लेटर वैदिक पीरियड के बाद, रेड और ग्रे. वन स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी फाउंड एट दी साइट इज नोन एट पेंटेड ग्रेवेयर. स्पेशल टाइप की जो पॉटरी फाउंड होती थी उसको क्या बोला जाता था, पेंटेड ग्रेवेयर बोला जाता था. एज इट ऑब्वियस फ्रॉम नेम दीज ग्रे पॉट्स हैव पेंटेड डिजाइन, यूजली सिंपल लाइन्स एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न. तो इसमें ज्योमेट्रिक पैटर्न वगैरह होते हैं. अब बात आती है महाजनपदास की. अबाउट 2500 ईयर ago, some जनपदास बिकम द मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर एंड वर नोन एज महाजनपदास.
इनको महाजनपद कहा जाने लगा, जो जनपद ज्यादा प्रोमिनेंट हो गए, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए अदर से। सम ऑफ दीज आर शोन ऑन मैप फोर, मोस्ट महाजनपद हैड द कैपिटल सिटी। तो मोस्ट ऑफ जो महाजनपद होते उसमें कैपिटल सिटी होती थी। मेनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड, तो बहुत सारे में किले बने हुए, मतलब फोर्टिफाइड है। दिस मीन्स द ह्यूज वॉल ऑफ वुड, तो एक यू नो जैसे कोई भी बिल्डिंग बनी है उसके चारों तरफ मान लीजिए वॉल है, तो उसको फोर्टिफाइड कहा जाता है, मतलब कि उसको फोर्टिफाइड बिल्डिंग कहा जाएगा। जनपदास ये है, ठीक है ना। गांधार ये है, तक्षशिला ये है, गांधार से आयरन में मतलब गांधार में आयरन होता है। ओके, इंडस रिवर ये रही, हस्तिनापुर ये रहा, पांचाल, कोसल, वैशाली, मगध सबसे बड़ा था, राजगृह, ठीक है ना, राजगृह इसकी क्या थी, कैपिटल थी अंगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आगे हम इसके बारे में बात करते हैं। फोर्ट्स आर प्रोबेबली बिल्ड बिकॉज पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक फ्रॉम अदर किंग। तो फोर्ट किस लिए बनाया जाता था कि जो दूसरे किंग है वो अटैक करेंगे तो उसे प्रोटेक्शन मिलेगा, नीडेड ए प्रोटेक्शन, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो लकली दैट सम रूलर वॉन्टेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे वर बाई बिल्डिंग रियली लार्ज। तो जो जो रूलर्स खुद को अमीर और यू नो पावरफुल शो ऑफ करना चाहते थे वो बहुत ही बड़े बड़े फोर्ट्स बनाते थे। ऑल्सो इन द वे द लैंड एंड पीपल लिविंग इन साइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल मोर इजली बाई द किंग। तो किंग कंट्रोल करता था बिल्डिंग, तो मतलब कि जैसे फोर्टिफाइड हो गया तो किंग को अपने एरिया को कंट्रोल करने में इजीनेस होती थी, मतलब सिंपल से सिंपली वो करते, क्योंकि उसको पता था कहाँ तक फोर्टिफिकेशन है, कहाँ तक उसका एरिया है, ठीक है ना। दिस इज टर्नमेंट एनॉर्मस लेबर प्रोवाइडेड पॉसिबल बाई थाउजेंड ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड रिसोर्स हैड टू बी फाउंड फॉर ऑल ऑफ दिस। तो ये वॉल्स बनाने के लिए इन सारी चीजों की जरूरत होती थी। द फोर्टिफिकेशन वॉल एट कौसाम्बी, कौसाम्बी की फोर्टिफिकेटेड वॉल है। दिस इज पिक्चर ऑफ रिमेन्स ऑफ वॉल मेड ऑफ ब्रिक्स फाउंड नियर प्रेजेंट डे इलाहाबाद, इलाहाबाद के पास है मिली है। ओके, नाउ द न्यू राजाज नाउ बिगन मेंटेनिंग आर्मीज। तो नए राजा ने क्या किया था, आर्मीज को बनाना शुरू कर दिया था। सोल्जर्स वर पेड रेगुलर सैलरीज एंड मेंटेन बाई किंग थ्रू आउट द ईयर। तो सोल्जर्स को रेगुलर सैलरीज मिलने लगी थी। तो ये किस टाइम की भी बात है, जनपदास और महाजनपदास के टाइम पीरियड की बात है। टैक्सेस, अब टैक्स की बात करते हैं, टैक्स कैसे होता था। एट द रूलर ऑफ महाजनपदास वर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट, तो वो क्या करते थे, वो ह्यूज फोर्ट बनाते थे, मेंटेनिंग बिग आर्मीज एंड देन इट मोर रिसोर्स। उनको मोर रिसोर्स की जरूरत थी, दे हैड नीडेड टू ऑफिशियल टू कलेक्ट दीज, और वो उनको ऑफिशियल्स को जरूरत थी कि जो कि इन सबको कलेक्ट कर सके। तो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओकेशनल गिफ्ट ब्रॉट बाई पीपल एज इन केस ऑफ राजा ऑफ द जनपदास दे स्टार्ट कलेक्टिंग रेगुलर टैक्स। तो क्या होता था कि जैसे जो भी वहाँ के पीपल हैं उस किंगडम के, उनको गिफ्ट दें, इससे बढ़िया उन्होंने क्या किया कि इन सारी जैसे फोर्टिफिकेशन करना है, बड़ी आर्मी को मेंटेन करना है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, टैक्स लगाना शुरू कर दिया, ठीक है ना। टैक्स कैसे होते थे देखिए, टैक्सेस ऑन क्रॉप फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रॉप पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टैक्स था। दिस वॉज बिकॉज मोस्ट पीपल आर फार्मर, बहुत सारे मतलब मोस्ट ऑफ पीपल जो फार्मर ही थे। यूजली द टैक्स वर फिक्स एट 1/6 ऑफ वाट वी वाट वॉज प्रोड्यूस, तो जो भी वो प्रोड्यूस करते थे उसका 1/6 लिया जाता था, ठीक है ना, टैक्स के रूप में। दिस वॉज नोन एज भग आर शेयर, इसको भग और शेयर बोला जाता था। देयर वर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सनल, क्राफ्ट पर्सनल भी टैक्स थे। दिस कुड हैव बीन फॉर्म ऑफ लेबर, फॉर एग्जाम्पल ए वेबर और स्मिथ मे हैव वर्क हैड टू वर्क फॉर अ डे इवन मंथ फॉर द किंग, ठीक है ना, एवरी मंथ फॉर द किंग। तो क्राफ्ट पर्सन से काम के उस पर टैक्स लिया था, जैसे कोई कोई क्राफ्ट पर्सन है उसको बोल दिए चले ठीक है महल में आकर के आप क्या करें एक महीने तक हमारा ये काम है करके जाए फ्री में, ठीक है ना। हर्डर्स वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस इन फॉर्म ऑफ एनिमल एनिमल प्रोड्यूस। हर्डर्स क्या करते थे, एनिमल के फॉर्म में टैक्स को पे करते थे, एनिमल प्रोड्यूस जैसे दूध दही होता है इसके फॉर्म में पे करते थे। देयर वर ऑल्सो टैक्स ऑन गुड्स दैट वी ब्रॉट एंड सोल्ड थ्रू, तो ट्रेड के थ्रू जो भी गुड्स का यू नो सेलिंग और बाइंग होती थी उस पर भी टैक्स लगता था। एंड हंटर्स एंड गैदरर आल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस राजा, तो हंटर और गैदरर क्या करते थे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस राजा को प्रोवाइड करते थे। ओके, चेंजेस इन एग्रीकल्चर, देयर वर टू मेजर चेंज इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। वन वाज द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लोशेयर, आयरन प्लोशेयर का यूज होने लगा था, ठीक है ना। द मीन दैट हैवी क्लेली सॉइल कुड बी टर्न ओवर बेटर देन द वुडन प्लोशेयर, तो पहले लकड़ी के जो प्लो होते थे, लकड़ी का जो हल होता है उसको यूज होता था, बट अभी आयरन का यूज होने लगा था। सो दैट मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस। सेकंड, पीपल बिगन ट्रांसप्लांटिंग पैडी, लोगों ने क्या किया, पैडी का कल्टीवेशन स्टार्ट किया। दिस मीन्स दैट इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड ऑन ग्राउंड फ्रॉम विच प्लांट वुड
स्प्राउट सैपलिंग्स वर ग्रोन एंड देन प्लांटेड इन द फील्ड। तो वही है कि पहले उसके लिए सीड को जैसे देखिए, जैसे धान होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले सीड को ऐसे बो दिया जाता है, उसके बाद फिर वो बड़ा होता है, उसको निकाल करके फिर दूसरी जगह पे उसको क्या किया जाता है, उसका प्लांटेशन किया जाता है, वो ये लोग करने लगे थे। हाउएवर इट वॉज बैक ब्रेकिंग व्हाट यूजुअली स्लेव मैन और वुमेन दासान दासीज एंड लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर हैड टू डू दिस वर्क। वही कि ये दिस लेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन एज मेनी मोर प्लांट्स सर्वे। हाउएवर इट वॉज बैक ब्रेकिंग वर्क। तो स्लेव मैन और वुमेन जो थे, दास और दासी, वो ये काम करते थे, लैंडलेस एग्रीकल्चर जो लेबर थे वो ये काम किया करते थे, ठीक है ना, कि एक जगह से लेकर के जो सीड से जो क्रॉप टाइप का हुआ है उसको लेकर के जा करके दूसरी जगह पे उसका प्लांटेशन किया। द क्लोजर लुक ए मगध, तो मगध के बारे में स्पेशली ये है, फाइंड मगध एंड मैप फोर्थ। मैप फोर मैंने आपको मगध के बारे में बताया था। मगध बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद इन अबाउट 200 ईयर। तो 200 साल में ये क्या हो गया कि इंपॉर्टेंट महाजनपद बन गया। मेनी रिवर सच एज गंगा एंड सोन फ्लोट थ्रू मगध। तो गंगा और सोन किसके थ्रू फ्लो करती थी, मगध। दिस वॉज इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट। तो ये देखिए, गंगा और सोन वहाँ से फ्लो करती थी, इंपॉर्टेंट क्यों थी, ट्रांसपोर्टेशन वहाँ से हो जाता, वाटर सप्लाई मिल जाती थी, ठीक है ना, फर्टाइल लैंड हो जाता था। पार्ट ऑफ मगध वर फॉरेस्टेड, एलिमेंट विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेन फॉर द आर्मी। तो मगध के लिए एडवांटेज ये भी था कि फॉरेस्टेड एरिया था, तो वहाँ पे एलिफेंट जो रहते थे उनको आर्मी के लिए ट्रेंड किया जाता था। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड वुड फॉर बिल्डिंग हाउस। हाउस के लिए क्या मिल जाता था, लकड़ी मिल जाती। बिसाइड दीज वर आयरन ओर माइंस इन रीजन दैट कुड बी टैप टू मेक स्ट्रॉन्ग टूल एंड वेपन। तो आयरन ओर की जो माइनिंग थी वो भी होती थी, और वहाँ पे आयरन प्रेजेंट था, इसकी वजह से क्या होता था, टूल्स और वेपन्स बनाने में हेल्प मिलती। मगध हैड टू वेरी पावरफुल रूलर। तो मगध में दो दो बहुत ज़्यादा पावरफुल रूलर्स हुए, पहला बिंबिसार एंड अजाशत्रु, हु यूज ऑल पॉसिबल मीन टू कंकर ओवर जंतुदास। तो इन्होंने क्या किया कि जितना भी पॉसिबल जो मीन था इनके पास, मतलब जो भी रिसोर्स थे उसका यूज करके इन्होंने क्या किया, जंतुदास को कॉन्करिंग करने के लिए यूज किया। महापद्म नंदा वाज एन अदर इंपॉर्टेंट रूलर। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो इसने महापद्म नंदा ने क्या किया था, उसने क्या किया था कि उसने नॉर्थ वेस्ट पार्ट का जितना को सब कॉन्टिनेंट है उसको अपने कब्जे में ले लिया था। राजगृह प्रेजेंटली राजगीर इन बिहार वर्ष कैपिटल ऑफ मगध। तो राजगीर जो थी मगध की कैपिटल थी बहुत साल तक। लेटर द कैपिटल वर शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र। तो बाद में कैपिटल को पाटलिपुत्र को में शिफ्ट कर दिया कि जो अभी पटना में है, ठीक है ना, जिस जो अभी पटना है प्रेजेंट टाइम का। मोर देन 2300 ईयर गो ए रूलर नेम्ड अलेक्जेंडर हु लिव्ड इन मैकेडोनिया यूरोप वॉन्टेड टू बिकम वर्ल्ड कॉन्करर। तो अलेक्जेंडर क्या क्या बन जाता था, वर्ल्ड कॉन्करर बनना चाहता था, वो चाहता था कि पूरे वर्ल्ड पे उसका ही राज हो। ऑफ कोर्स ही डिडंट कॉन्कर द वर्ल्ड बट डिड कॉन्कर पार्ट ऑफ इजिप्ट एंड वेस्ट एशिया। तो उन्हें पूरे वर्ल्ड को तो कॉन्कर नहीं कर पाया वो, बट इजिप्ट और वेस्ट एशिया को उसने कॉन्कर कर दिया। एम कैम टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, फिर वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे आया, रीचिंग अप द बैंक ऑफ ब्यास, ब्यास रिवर के पास वो पहुंच गया था। वेन ही वॉन्टेड टू मार्च फर्दर ईस्टवर्ड द सोल्जर रिफ्यूज। जब वो फिर से ईस्टवर्ड आना चाहता था इंडिया की तरफ, तो सोल्जर ने रिफ्यूज कर दिया। देवर स्कैड एज दे हैड हर्ड द रूलर ऑफ इंडिया हैड वास्ट आर्मी ऑफ फुट सोल्डर चैरियट्स एंड एलिफेंट। तो वो लोग डर गए थे, क्यों डर गए थे, क्योंकि इंडिया के पास आर्मी थी फुट सोल्डर की बहुत बड़ी, और चैरियट्स थे, घोड़े थे हमारे पास, और एलिफेंट भी थे, ठीक है ना, इसकी वजह से वो क्या किया होता, डर गए थे। अब दूसरा इक्लोजर लुक वज्जी, वज्जी भी एक वो था, देखिए मे बी मैप में मिल जाए, ये भी एक महाजनपद था। ओके सो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट इन येरा, वज्जी येरा, मगध ये है और वज्जी ये है, आप देख सकते हैं ये है वज्जी। ओके इसके बारे में जानते हैं। और देखिए जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आपसे ये सारी चीजें उसमें प्रीलिम्स में पूछ सकता है। ओके प्रीलिम्स में पूछ सकता है। दूसरी चीजें ये मेंस का अगर हम बात करें, मेंस में क्वेश्चन पता है कैसे आएगा, मेंस में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, 1 मिनट, मगध के बारे में हो गया, ठीक है ना, मगध में ये बता के कि जो देखिए मगध के बारे में, ये रिवर थी, ठीक है ना, तो रिवर की वजह से क्या क्या था, ये था ट्रांसपोर्ट थी, वाटर सप्लाई थी, मेकिंग लैंड फर्टाइल, ये हो गया, बहुत अच्छी आर्मी थी। तो ये पूछा जा सकता है कि क्या रीजन था कि मगध सबसे अच्छा महाजनपद बन गया, सबसे बड़ा महाजनपद बन गया और नहीं बन पाए। इसका रीजन यही है, रिवर थी उसकी वजह से इनको हेल्प हुई, आर्मी इनकी बहुत बढ़िया थी। तो मेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछता है और पूछ भी चुका है एक आध बार, ठीक है ना। वज्जी के बारे में बात करते हैं। वाइल मगध बिकम ए पावरफुल किंगडम, वज्जी विद इट्स कैपिटल एंड वैशाली, बिहार वाज अंडर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज गण आर संघा, ठीक है ना।
वज्जी इसकी कैपिटल क्या थी? वैशाली थी, और ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में थी जिसको बोला जाता है नोन एज गण और संघा। इन अ गण और संघा देयर वर नॉट वन बट मेनी रूलर्स। तो गण और संघा में क्या होता था, एक रूलर नहीं थे, बहुत सारे रूलर थे। सम टाइम इवन 1,000 ऑफ मैन रूल टूगेदर, तो हजारों हजार लोग एक साथ रूल करते थे। दीज राजा परफॉर्म रिचुअल टुगेदर, तो ये राजा क्या करते हैं, रिचुअल के एक साथ परफॉर्म करते थे। दे ऑल्सो मेट ऑन असेंबली, असेंबली में लोग मिलते थे, अनडिसाइडेड दैट हैड टू बी डन एंड हाउ थ्रू द डिस्कशन एंड डिबेट, तो क्या करना है और कैसे किया जाएगा, ये डिबेट होती थी। फॉर एग्जाम्पल, इफ दे वर अटैक्ड बाई एन एनिमी, दे मेट टू डिस्कस वॉट कुड बी डन टू मीट द थ्रेट। हाउएवर वुमेन दासाजन कामकार कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दीज असेंबलीज। तो ये याद रखिएगा, प्रिलिम्स वगैरह में पूछता है यूपीएससी में, कि वुमेन दासाज और कामकार जो थे वो इन असेंबलीज में भाग नहीं लेते थे, बट सारे राज्य में। अब गण के बारे, यूज टू इज यूज फॉर ए ग्रुप दैट हैज मेनी मेंबर्स। तो गण किसके लिए यूज किया था, गण मतलब कि बहुत सारे मेंबर्स हो। संघ मतलब मीन्स ऑर्गेनाइजेशन आर एसोसिएशन, संघ मतलब ऑर्गेनाइजेशन आर एसोसिएशन जिसमें बहुत सारे रूलर्स हुआ करते थे। बोथ द बुद्धा एंड महावीरा, अबाउट हुम यू विल रीड इन चैप्टर 6, चैप्टर 6 में बुद्धा और महावीरा के बारे में पढ़ेंगे, बिलोंग टू गणाज और संघास। तो बुद्ध और महावीरा कहाँ से बिलोंग करते थे, गण और संघ से बिलोंग करते थे। सम ऑफ मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ इन संघास कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट बुक, बुद्धिस्ट बुक में ये मिलता है। दिस इज एन अकाउंट ऑफ वज्जीज फ्रॉम दिग्घा निकाय, ए फेमस बुद्धिस्ट बुक। दिग्घा निकाय किसकी फेमस बुक है, बुद्धिस्ट बुक है। विच कंटेन सम ऑफ स्पीच ऑफ बुद्धा, दीज वर रिटन डाउन अबाउट 2300 को। अजातशत्रु एंड वज्जी, ठीक है ना, अजातशत्रु वांटेड टू अटैक द वज्जी। अजातशत्रु क्या चाहता था, कि वो वज्जी को अटैक करना था। ही सेंट हिज मिनिस्टर नेम्ड वसकारा टू द बुद्धा टू गेट हिज एडवाइस ऑन द मैटर। तो उसने क्या किया कि वसकारा को क्या किया, बुद्धा के पास भेजा इस मैटर में एडवाइस लेने के लिए। द बुद्धा आस्क वेदर द वज्जी मेट फ्रिक्वेंटली इन फुल असेंबलीज, व्हेन ही हर्ड दैट दे डिड, ही रिप्लाइड दैट वज्जी कुड कंटिन्यू टू प्रॉस्पर एज लॉन्ग एज। तो बुद्धा ने पूछा वेदर द वज्जी इज मेट फ्रिक्वेंटली, क्या वज्जी फ्रिक्वेंटली मीट करती है इन फुल असेंबली में। व्हेन ही हर्ड दैट दे डिड, जब उन्होंने सुना कि वो ऐसा करते हैं, असेंबलीज बनती है, ही रिप्लाइड दैट वज्जी कुड कंटिन्यू एट प्रॉस्पर एज लॉन्ग। तो बुद्ध ने क्या कहा था कि अगर वो लोग मीटिंग करते हैं, वो लोग असेंबलीज में जाते हैं, सारे किंग मिलके वहां पे डिबेट करते हैं, तो बुद्ध ने उस पर लेकर कहा कि वो जो जो वज्जी है वो हमेशा क्या करेगी, कंटिन्यू प्रॉस्पेरस होती रहेगी। दे है क्यों, क्योंकि दे हैड फुल एंड फ्रिक्वेंट पब्लिक असेंबलीज, उनके पास पब्लिक असेंबलीज हैं। दे मेट एंड एक्ट टुगेदर, वो एक साथ एक्ट करते हैं, वो एस्टेब्लिश रूलर को फॉलो करते हैं। दे रिस्पेक्टेड सपोर्ट एंड लिसन टू एल्डर्स, वो बड़ों की बात सुनते हैं। वज्जी वुमेन आर नॉट हेल्ड बाई फोर्स आर कैप्चर्ड, वज्जी की जो वुमेन है वो फोर्सफुली नहीं लाई गई है और ना वो कैप्चर्ड है। चैत्य लोकल श्राइन्स वर मेंटेन इन बोथ टाउन एंड विलेज, तो चैत्यास जो है लोकल श्राइन्स जो होते हैं वो टाउन्स और विलेज दोनों में बने थे। ये ना एक सोशल इक्वलिटी टाइप के दिखाता है। वाइस सेंट हु फॉलोड डिफरेंट बिलीफ और रिस्पेक्टेड अलाउड टू एंटर द एंटर एंड लीव कंट्री फ्रीली, तो कोई भी जितने भी संत थे वो कोई भी बिलीफ को फॉलो करते थे, वो क्या उनको अलाउ था कि वो कहीं भी उसको लीव कर सकते हैं कंट्री को फ्रीली, ठीक है ना। ना ये वज्जी के बारे में है जो बुद्धा ने कहा था, वज्जी इतना पावरफुल था, ठीक है ना। राजा ऑफ पावरफुल किंगडम ट्राई टू कंकर द संघास, तो पावरफुल किंगडम के राजा ने क्या किया, संघ को कंकर करने की कोशिश की। नेवर थलेस दीज लास्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम टिल अबाउट 1500 ईयर गो, व्हेन द लास्ट ऑफ गणाज और संघास वर कंकर्ड बाय द गुप्ता रूलर। गुप्ता रूलर ने लास्ट में लास्ट जो गढ़ और संघ था उसको क्या किया, कंकर किया। अबाउट हुम यू विल रीड इन चैप्टर 10 में हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। नाउ सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ओके, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, ओके। और अगर आपको इसके आगे के चैप्टर चाहिए तो आप क्या करें, या तो डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाएं, और इसके बाद भी और क्लास 7, 8, 9, 10 के इसके लिए भी आते रहेंगे। और जो लोग सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए मेरे पास नोट्स हैं, आप मेरे पे मैसेज कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट की लिंक मिल जाएगी, ओके। सो और इसका मैं जो ये रिकॉल का जो है इसको मैं डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है ना, इसको भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। नाउ रिकॉल में क्या होता है, स्टेट वेदर ट्रू और फाल्स, तो उसमें कौन सा ट्रू है और कौन सा फाल्स है। तो पहली बात करते हैं, पहला क्या है, द राजाज हु लेट द अश्वमेध हॉर्स पास थ्रू देयर लैंड वर इनवाइटेड टू द सेक्रीफाइस। तो इसमें दिया गया कि राजा जो अश्वमेध हॉर्स को अलाउ करते थे और जहाँ जिस लैंड से पार होता था
उनको क्या किया जाता था, सेक्रीफाइस के लिए इनवाइट किया जाता था, मतलब ऐसा माना जाता था कि उनका इनविटेशन मिला है। ये बात यू नो सही है, बिकॉज ये एक अगर वो जैसे कोई छोटा छोटा किंग है और अगर दास्ता स्वीकार कर लेता है, मान लेता है हाँ ठीक है हम आपके अंडर में रहेंगे, तो रिस्पेक्ट के लिए उनको बुलाया जाता था, ठीक है ना। द चैरिएटियर स्प्रिंकल्ड सेक्रेट वाटर ऑन द किंग, तो चैरिएटियर जो थे वो स्प्रिंकल करते सेक्रेट वाटर को फॉल्स है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड पैलेसेस इन द सेटलमेंट ऑफ जनपदास, आर्कियोलॉजिस्ट को पैलेसेस मिले हैं, ठीक है ना। बट ये गलत है, बिकॉज अभी मैंने आपको बताया था कि वो हट्स में रहते थे और कैटल वगैरह की रेयरिंग किया करते थे। ओके नाउ पॉट्स टू स्टोर ग्रेन वर मेड आउट ऑफ पेंटेड ग्रेवेयर, पेंटेड ग्रेवेयर के बनते थे, ये सही है, ठीक है ना। और मेनी सिटीज इन महाजनपदास वर फोर्टिफाइड, तो ये गलत है क्योंकि सिटीज फोर्टिफाइड नहीं होती थी, जो कैपिटल होती थी वो फोर्टिफाइड हुआ करती थी, ठीक है ना। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट इसका पार्ट इसके लिंक के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और अगर आपको नोटिफिकेशन इसके तुरंत बाद चाहिए तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे, एंड एज ऑलवेज हारा भाई जो लड़ा नहीं।